26 मई से भोपाल में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल, आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। किसान कर्ज माफी, बिजली के आधे बिल और युवा रोजगार गारंटी कानून की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल भोपाल में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, जिसमें रीवा से भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचेंगे। आज मंडल अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा विधानसभा के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको हमने नियुक्ति पत्र जारी किया, जिसमें प्रदेश संयोजक श्री आलोक अग्रवाल जी का हस्ताक्षर भी है। ये नियुक्ति पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। आगामी समय में 26 तारीख से प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल जी भोपाल में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रहे हैं, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं किसानों की कर्ज माफी हो, युवाओं को रोजगार दिया जाए और बिजली के बिल आधे किए जाए। इन मुद्दों पे हमने पिछले एक साल से लगातार आंदोलन किए, हमने मांगे उठाई कि भाई बिजली का यहाँ मध्य प्रदेश में बन रही है, आप दूसरे प्रदेश में वहाँ से खरीद के सस्ते में मिल रही है, यहाँ पे क्यों नहीं सस्ते में दी जाती। इसी तरह युवा रोजगार को लेके हमने आंदोलन किया कि यहाँ पे कंपनियाँ बाहर से आ रही, युवा की हालत देख लें, लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती। तो हमारी मांग थी कि या तो आप रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। और तीसरा सबसे बड़ा किसान का मुद्दा, जिस पर आलोक जी बैठ रहे हैं, जिससे वो पहले अपने सामाजिक जीवन में भी लगातार जुड़े रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसका मजाक बना दिया है भाजपा कांग्रेस, उसको लागू किया जाए, लागत का 1.5 गुना मूल्य तय किया जाए, किसान की मजदूरी उस लागत में जोड़ी जाए। इस मुद्दे के साथ आलोक जी आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में वो भोजन त्याग करके जब तक ये मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक वो बैठे रहेंगे, और उसकी तैयारी में अगले 10 दिन में लगातार आम आदमी पार्टी जन जन तक जाएगी, हर मोहल्ले हर गाँव तक इस संदेश को पहुँचाएगी। और उसके लिए मंडल अध्यक्ष की जो टीम बनाई जाएगी, मंडल की टीमें, हर एक मंडल अध्यक्ष की एक अलग टीम होगी जो पूरे अपने मंडल में घूमेगी।